तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो निगेटिव हमेशा होगा। नेक्स्ट ये कहता है ए प्लेनेट इज मूविंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑप्शन इफ टी वी ई एल ए स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम द अबाउट द सेंटर ऑफ द फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब जब वो थियरी पढ़े हो तभी जाके इसको तुम बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो एक एक कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को टी से डिनोट किया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, टी टी क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अब अगर कोई प्लेनेट मूव करता है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है क्या? नहीं यार, उसकी स्पीड ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ है ठीक है, इसमें स्पीड क्या होती है, वेरिएबल होती है ठीक है, यहाँ पे सबसे कम होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। भी इज ऑलवेज पॉजिटिव, भी क्या है, भी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल गलत बात। बी इज ऑलवेज निगेटिव, बी इज ऑलवेज निगेटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर आर होता है दो पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशन में, तो ये भी गया। ई इज ऑलवेज निगेटिव, ई क्या है, देखो ई इज द टोटल एनर्जी, ई इज द टोटल एनर्जी, हाँ ये तो सही है ठीक है, टोटल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होती है भाई सेटेलाइट की, और उसकी वैल्यू होती है हम सब अभी पढ़ के आए हैं माइनस जी एम एम ओवर टू आर, वेयर आर इज द ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब सेंटर से सेटेलाइट का ठीक है। एल इज कंजर्व एंगुलर, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर चेंजेस, बिल्कुल गलत बात, एंगुलर मोमेंटम सेटेलाइट का कंजर्व रहता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना यार कि अर्थ अगर ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ठीक है, तो आधे घंटे बाद जब क्लॉकवाइज रोटेट करने लगी, ऐसा तो नहीं होता है, तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम बोर्ड के बाहर आ रहा है, आता ना डायरेक्शन करने का, तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन नहीं बदलता है, एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो होता है। चलो तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन फ्रॉम मी, इसमें और ज़्यादा पढ़ो, प्रैक्टिस करो, अब तुम्हें टेस्ट दो ठीक है। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया प्रीवियस ईयर कर लिया तो सेल्फ टेस्ट दो, टेस्ट अपने आप को टेस्ट करो, जो क्वेश्चन नहीं होता उसको बारीकियों से समझो, उसको अच्छे से समझो, क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था, क्या मैं पागल हो गया था, क्या मेरा दिमाग काम नहीं किया, क्या मैं उदास था, क्या मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी कमी थी, कि मुझे थ्योरी समझ में नहीं आई, क्या रीज़न था जो मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ वो ठीक है, तो उस क्वेश्चन को रीज़न को फाइंड आउट करो एग्जैक्ट प्रिसाइज और उस पर काम करो और आगे बढ़ जाओ ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।